दोस्तों, मलका कौसर मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। डीपीओ मरी फराज अहमद के अहकाम की रोशनी में ट्रैफिक पुलिस मरी की जानिब से दौरान बर्फबारी मरी आने वाले सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। मरी जाने से पहले मौसमी हालात से आगाही हासिल करके सफर का आगाज करें, ऐसा कहना था DSP ट्रैफिक मरी का। दौरान बर्फबारी मरी आने वाले सयाह मैकेनिकली तौर पर दुरुस्त गाड़ी का इंतखाब करें। मनफी टेम्परेचर होने की वजह से गाड़ी में एंटी कूलिंग लिक्विड का इस्तेमाल करें। दौरान बर्फबारी अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल रखें। दौरान बर्फबारी सयाहों से गुजारिश है कि वो अपने साथ गर्म मलबूसात और खुश्क मेवाजात जरूर रखें। बर्फबारी के दौरान गाड़ी के टायरों पर चेन का इस्तेमाल करें और गाड़ी में हीटर के इस्तेमाल की सूरत में गाड़ी के शीशे मुकम्मल तौर पर बंद ना करें। मरी में दौरान बर्फबारी किसी भी सूरत डबल लाइन ना बनाएं। बर्फबारी के दौरान मरी में रोड पर खड़े होकर सेल्फी बनाने से भी गुरेज करें। बर्फबारी के दौरान गाड़ी की रफ्तार कम रखें और ओवरटेकिंग से बिल्कुल गुरेज करें। महफूज और पुरसुकून सफर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें। मरी में दौरान बर्फबारी किसी भी जगह ट्रैफिक प्रॉब्लम पेश आने की सूरत में कंट्रोल रूम नंबर 051-9269-200 पर रابطہ करें। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और जवान सख्त सर्दी में आपकी सहूलियत के लिए हैं, इनके साथ तआवुन करें। ये सब कहना था सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी का। GPO चौक राइट नाउ। रास्ता छोड़ दे, रास्ते में खड़े ना, प्लीज रास्ता छोड़ दे, आगे मूव करें, शाबाश, रास्ता छोड़ दे, चलते जाएं आगे, रास्ते में खड़े ना, प्लीज रास्ता छोड़ दे, ट्रैफिक के भाव में रुकावट पैदा ना करें, प्लीज आगे मूव करें।